आज हम अनुभव आरोग्य की धाम में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज अधाना, हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। क्या मैसेज जिस तरह से आने वाले त्योहार के बारे में क्या मैसेज? मैं डॉक्टर मनोज अधाना सुपुर जिला पंचायत तीन बार मैं ये कहना चाहूँगा। सबसे पहले पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को मेरा हिंदू भाइयों का हाथ जोड़ कर प्रणाम और मुस्लिम भाइयों को प्यार भरा सलाम। मेरी अपनी सोच ये है कि सभी त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है हमारे शिव भक्त को और शिव महाराज आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि कांवड़ मेला पूरा एक संगम है और कांवड़ मेले में इतनी दूर से आप समझिए हरिद्वार से भी ज़्यादा आगे से लोग कांवड़ लेकर आते हैं। उसमें मैं ये कहूँगा कि ये भाव, ये एक अंदर की आत्मा आवाज़ करती है। यही तो आज तो कोई भी अपने खेत को भी पैदल नहीं जाता और कितनी बड़ी शक्ति है उस शिवजी महाराज में, कितना बड़ा तप है कि जो लोग वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। मैं उन लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए और सभी जो उसमें आस्था रखते हैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आस्था को बनाव रखें और उन्हें इतनी हिम्मत दें कि वो वहाँ से यहाँ तक उनके नाम पर आने में मुझे लगता है वो परेशानी होती नहीं है। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, इंतजार करता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, उस परवरदिगार से, उस परमात्मा से कि उन्हें बेहतर शक्ति दें। और मेरा शिव भक्तों से एक अपील है, मेरी अनुरोध है, वो ये है कि आप रास्ते में कहीं से जहाँ से भी आ रहे हैं, बस आप केवल एक ही बात सोच के चलें कि हम शिव भक्त हैं, कांवड़ देख आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सोच आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं कहूँगा कि रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत लोग हमारे, मैं ये नहीं कहता हिंदू भाई, मुस्लिम भाई भी वहाँ शिविर लगाते हैं। कांवड़ के मेले में मैंने देखा है कि मुस्लिम भाई भी आगे चढ़ के भाग लेते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर अपने हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाई को अस्सलाम वालेकुम एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सब समझ सकते हैं कि अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि लड़कियां आती हैं और रात जगाती हैं गांवों में, शहरों में, जहां भी हैं, जो भी हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, मैं ये कहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने और इसे शेयर भी करें, लोगों को बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है कि अगर लड़की के घर का एक गिलास हम पानी भी पीते हैं तो उसे हम 10 रुपये जरूर देते हैं। लेकिन ये प्रथा बड़ी अजीब सी है कि आज लड़की रात जगाना आती है, अपना पूरा सामान लेके आती है, अपने साथ पूरा सामान नहीं, नहीं कुर्सी तक लड़की लेके आती है, देखिए आप। और हम पूरा गांव उस लड़की के घर का जिसका हम पानी भी फ्री में पीना पसंद नहीं करते, ये प्रथा परमात्मा ने बनाई और फिर हमारे बुजुर्गों ने बनाई। लेकिन आज हमें पता नहीं क्या हो गया जो हम ऐसी प्रथा को अपना रहे हैं कि जो भी हमारी बच्ची रात जगाना आती है, हम ही नहीं पूरा गांव उसमें दावत खाता है और ऐसे ही हाथ पूछ के ऐसे हाथ जाकर वापस चले जाते हैं। कितना बुरा लगता है। देखिए आप, मैं तो ये अपील करूँगा कि आप जो भी उस बच्ची के यहाँ खाना खाएं वो 10 रुपये दें, जो मर्जी करें वो दें, वो उस लड़की की मर्जी, वहाँ किसी भी धर्म स्थल में किसी भी तरीके से वो उसी गाँव में उसे खर्च कर जाए। लेकिन कम से कम हमारे गांव पे, हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे आने वाली पीढ़ी पे उसका भार नहीं रहेगा। नहीं तो ये पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी प्रथा, ऐसी गलत प्रथा है कि आप पे पूरा भार रहेगा जब तक इस बच्ची का, इस लड़की के खाए हुए पदार्थ का हम कर्ज नहीं चुकाएंगे, शायद मुझे लगता है शांति नहीं मिलेगी। मैं फिर ये कहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा विचार करें
ये चीज बिल्कुल गलत है और लड़की का फ्री में खाना किसी ने नहीं बताया है, कहीं भी ग्रंथों में भी नहीं बताया। इसलिए मेरी प्रार्थना और इल्तिजा है, हमारी बहनें जरूर रात जगाएं, लेकिन मेरे सभी परिवारों से, पूरे गांव से मेरा ये अनुरोध है कि उस बच्ची का फ्री में ना खाएं, या आप 10 रुपए दें, जो भी आपकी मर्जी होते हैं, और वो बच्ची उस पैसे को या वहीं खर्च कर जाए, लेकिन उसे जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।